क्योंकि अभी नींद आ रहा है। क्योंकि हमारा जगाने का तरीका पूरा बेड भींग चुका है। मेरे जगाने के तरीका में आंख में पानी पड़ाया गया है। इतना जुल्म किसी पे होता है क्या? वो भी जगाने के लिए बहुत जुल्म होता है। जगाने के लिए पानी पड़ाया जाता है। मम्मी पानी पड़ाती है, दीदी पानी पड़ाती है, कभी कभी मैं तो खुद से उठ जाती हूँ। मेरी मम्मी सबसे पहले रेडी हो गई, एकदम भोर में उठी थी, सारा काम की थी, चाय बनाई थी मेरे लिए, नाश्ता बनाई है, अभी दूध बॉयल कर रही है, तो जाऊँगी इसी को खाकर। तो गाइस चलिए मिलते हैं। अब दीदी मम्मी को बना रही है साड़ी, लेकिन ये साड़ी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी को पसंद है। अपने साड़ी पहने वाला ड्रेस पहनी हुई है, देखिए कैसा लग रहा है, ना निकला ले। अच्छा लग रहा है। मैं क्या पहनने वाली हूँ? कुछ संस्कारी टाइप का पहनने वाली हूँ, क्योंकि कुछ संस्कारी लुक भी तो चाहिए ना भाई, कभी कभी, है ना? अब मतलब कभी कभी संस्कारी लुक चाहिए रहता है ना, इसीलिए मैं आज संस्कारी लुक वाली ड्रेस पहन रही हूँ। देखिए क्या पहन रही हूँ, आप बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा है। तो गाइस यही ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ, तो कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस? मैं ना जब भी मतलब कि कुछ नया पहनने का रहता है या कुछ पहनने का डिसाइडेड कपड़ा पहनने के लिए रहता है, तो मैं ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ, मतलब कि कपड़ा को कैसे पहनना है वैसे ही कर लेती हूँ, और वैसे ही मैं पहन लेती हूँ। तो गाइस चलिए चलिए, मेरा कपड़ा तो रेडी हो चुका है और मैं खुद भी रेडी होने जा रही हूँ, तो मैं कपड़ा ही बोलता हुआ जाओ ना, रेडी हो के आओ ना। अच्छा बाबा रुको, मैं जा ही रही हूँ रेडी होने के लिए, थोड़ा सा बात बात कर लेते हैं। ओह ठीक है गाइस मिलते हैं। मतलब गुस्सा आ रहा है मेरा कपड़ा कि अपना रेडी होके बैठा ले और हम वीडियो बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं गाइस चलिए चलते हैं। अब हम रेडी हो जाते, नहीं तो खामखा मेरा कपड़ा गुस्सा हो जाएगा। मत गुस्सा हो, ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे नहा के फ्रेश फ्रेश होकर, और मेरा न्यू लुक देखने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि वो शूट में मैं कैसी लग रही हूँ आप सब बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा जरूर से जरूर कि कैसा मेरा आउटफिट है पूरा लुक। ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे। गाइज मैं अब रेडी हो चुकी हूँ और मेरी मम्मी मेरे को छोड़ कर चली गई, कोई बात नहीं मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। देखिए ना मेरे को छोड़ कर चली गई थी, क्या करूँ यार, रेडी होकर फटाफट निकल जाती हूँ। ठीक है गाइज मिलते हैं आपसे। गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो गाइस कैसा है मेरा फाइनल लुक आप सब बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, पापा बहुत गुस्सा भी करेंगे आई नो, मुझे पता है। ठीक है गाइस अब चलते हैं, और मुझको रेडी होने में बहुत टाइम लगा। ठीक है गाइस मिलते हैं आप आश्रम में, देखते हैं आश्रम में क्या क्या हो रहा है अभी। तो गाइस ठीक है मिलते हैं। तो गाइस बाबा का आश्रम आने ही वाला है, आप सब देख लो। ये रहा बैलून लगा हुआ है ना, वही है पूजा हो रहा है, लेट हो गए। यही है आनंद मार्ग आश्रम।
नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, पापा बुला रहे थे, चलिए गाइस के नाश्ता करते हैं। गाइस देख सकते हैं सबसे लास्ट में हम सब खा रहे हैं।
मन में अवश्य ही चलेगी एवं निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी। अतः प्रत्येक काम मार्गी को दोनों समय साधना करनी ही होगी। यही है परम पुरुष का निर्देश। यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। अतः यम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का ही निर्देश है। इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है कोटि कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में तक होना। किसी भी मनुष्य को उस क्लेश में तक होना नहीं पड़े तथा परम पुरुष की असली छाया में सभी आकर शाश्वती शांति लाभ करें। इसके लिए सभी मनुष्यों को आनंद मार्ग के कल्याण पथ पर लाने की चेष्टा करना ही प्रत्येक आनंद मार्गी का कर्तव्य है। दूसरों को सत्य पथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है। जैसे परम पिता बाबा की, अमर देव बाबा की, जगत पिता बाबा की जय। हम जो खाना खा कर जा रहे हैं घर, बहुत खाली है। नींद भी आ रहा है हमको, जा रही है मस्त मगन में। दीदी